सबसे पहले हमने 3 किलो टमाटर धोकर कपड़े से पोंछ कर इन्हें हम साफ करके सुखा लेंगे। 3 किलो टमाटर लिए हैं हमने, फिर इनको हमें चॉप करना है। इसका हमें ये ग्रीन वाला पार्ट निकाल देना है। और बड़े बड़े टुकड़े करने हैं। हमारे सरारे हमारे पास चॉप हो गए हैं, इन्हें हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। हमें टमाटो का जूस भी यूज करना है तो उसको फेंकेंगे। अब हमने एक स्टील का बड़ा बर्तन लेना है जिसमें आप कुक कर सकें टमाटोज को। उसमें हम अपने सारे चॉप टमाटोज ऐड कर लेंगे। अब इन्हें हमने इसी तरीके से धीमी आंच पर ढककर थोड़ी देर पकाना है। अराउंड 10 मिनट्स हम ढककर इसको पकाएंगे। हमने टमाटोज में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। जब ये टमाटोज गर्म होंगे, इनमें ऑलरेडी जूसी होते हैं टमाटोज, तो गर्म होकर हीट के कारण मशी होकर वो अपने आप पानी छोड़ देंगे। तो बिना पानी में हम उसको इस तरीके से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब हमारे टमाटोज बॉईल हो गए हैं, अब इन्हें हम ठंडा करके पीस लेंगे। हमारे अब बॉईल टमाटोज ठंडे हो गए हैं, अब इनको हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। बहुत आसानी से पीस जाएंगे क्योंकि बॉईल टमाटोज हैं, तो बहुत मेहनत नहीं लगेगी इसको पीसने में, तो इनको हम अब पीस लेते हैं। अभी हमारा पीस गया है, अब इसको हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। थोड़ा चलाते हुए दबाते हुए करेंगे ताकि इसका सारा पल्प आपका नीचे जूस में आ जाए। अब ये हमारा अच्छे से स्ट्रेन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब जो हमारा ऊपर का ये पल्प निकला है, इसको फेंके नहीं, अपनी जो आपने बना एक दो दिन में जो आप सब्जी बनाएंगे उसमें ये आपका यूज हो जाएगा। एंड नीचे वाला इसको हम कुक करके रख लेंगे। अब इसको हम 10 मिनट पकाएंगे, और पकाते हुए एक छोटी चम्मच 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर डालकर 10 मिनट हम पकाएंगे। ध्यान रखें बीच बीच में चलाते रहें ताकि नीचे लगे ना, और स्टील के बर्तन में ही पकाना है। एल्युमिनियम और आयरन का बर्तन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्योंकि टमाटोज में सिट्रिक एसिड होते हैं, वो रिएक्ट कर जाएंगे। प्रिजर्वेशन के लिए आप कोई भी चीज़ जब पका रहे हो तो एल्युमिनियम में या फिर आयरन के बर्तन में ना पकाएं। 10 मिनट हो गए हैं और हमारी प्यूरी पक चुकी है, काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। ठंडा होने पर ये और गाढ़ी होगी। गैस ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये हमारी टमाटो प्यूरी ठंडी हो गई है, अब इसमें हम 2 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, इसको हम ग्लास की क्लीन ड्राई बॉटल में फिल करेंगे। हमें ग्लास के छोटे छोटे बॉटल्स में ही फिल करना है क्योंकि आप जब एक बार फिल्ड बॉटल को खोलेंगे तो 1 वीक के अंदर अंदर उसे यूज कर लें, और क्लोज बॉटल्स आपके 3 मंथ्स तक चलेंगे। Thank you. If you like this video, please subscribe my channel.